वो कहते हैं नमस्ते आदाब सत मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया एंड आई वेलकम ईच वन ऑफ यू इन दिस सीए फाइनल एएफएम एफ शॉट टेन मार्क रिवीजन सेशन सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग रिस्पांस फॉर एस सी पी एम टेन मार्क शॉट एंड थैंकफुली सो मेनी क्वेश्चंस सो मेनी कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव डन

एंड श्योर दैट डेफिनेटली यू आर सब्सक्राइबिंग टू ऑल दीडियो बिकॉज और ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आएगी विच विल बी रियली हेल्पफुल टू तो यू इन योर फ्यूचर लाइफ एज वेल प्लस शेयर इट विद एनी बडी हुर कलीग और अ जूनियर हु वु रिक्वायर द हेल्प ऑफ दीज लेक्स ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज आपके कमेंट्स शेयर करते रहना कैसा लग रहा है लेक्चर्स एंड यू नो एनी थिंग स्पेसिफिक दैट यू वॉन्ट एनी अदर कॉन्सेप्ट चैप्टर और

Uh, तो वो ऑब्वियसली आप प्री बुक करके ऑर्डर कर ही लेना डेफिनेटली। फिलहाल के लिए पढ़ा रहा हूं एज इट इज आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा वो पीडीएफ आप लोग भी और ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना एंड आई थिंक फिर बाद में तुम लोग ये लेक्चर देखोगे तो इट विल बिकम वेरी वेरी स्मूथ तो जो भी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन का कॉन्सेप्ट आता है वो सारा का सारा मैं यहां पे आज एक्सप्लेन करने वाला हूं मॉड्यूल एग्जाम्पल तो बोलो और आपको लाइफ में क्या चाहिए और ये नोट जो है विद सॉल्यूशन विल बी शेयर विद यू इन माई टेलीग्राम चैनल सो वहां पर आप लोग प्लीज एक्टिव रहिएगा चलो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट पॉजिटिव नोट मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले तो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है उसका एक छोटा सा बेस लेते ले हैं जैसा कि नाम है फ्यूचर्स एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी एक्टेड इन द फ्यूचर इज कॉल्ड एज अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इसमें दो ही तरह के contract होते हैं एक अगर अपने को लग रहा है कि market ऊपर जाने वाला है दूसरा अगर अपने को लग रहा है कि market नीचे जाने वाला है Simple. अगर आपको लग रहा है कि market ऊपर जाने वाला है स यू विल बाय इन जनरल अभी भूल जाओ चलो फ्यूचर इन जनरल अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप आज क्या करोगे सीधी सी बात है आज आप बाय कर लोगे राइट right? सो so, कोई भी चीज अगर आपको लग रही है जिसका प्राइस ऊपर जाने वाला है यू विल बाई टूडे सो दैट जब प्राइस ऊपर जाए तो आप उसको हायर प्राइस पे सेल कर सकते हो ऑपोजिट अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज का प्राइस गिरने वाला है तो आप क्या करोगे आज का आज उसको सेल कर दोगे क्योंकि आज मैं सेल करूंगा तो मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा फ्यूचर में तो इसका प्राइस कम होने वाला है तो अगर कम हो गया देन इन दैट केस आई विल गेट लेस मनी सो दैट इज वेर फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में भी ध्यान रखना व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो डाउन यू विल सेल अब ये तो एक जनरल पार्लेंस में बात हुआ बाय एंड सेल

अगर आपको बेसिक भी फ्यूचर्स का नहीं पता है ना मेरे वो लेक्चर देखो फ्यूचर्स के ऊपर भी मैंने रिविजन लेक्चर्स डाले हैं सो so, थोड़ा आप लोग को आइडिया आ जाएगा नहीं भी आता है तो भी कोई टेंशन नहीं अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं उससे यू विल बी एकदम इजीली वर्किंग अप वेल सो अभी मैंने आपको क्या बोला कि बॉस दो ऑप्शन है दो चीज पॉसिबल है या तो मार्केट ऊपर जाएगा तो एक है भाई मार्केट गोज अप बॉस अगर मार्केट मेरे को लग रहा है ऊपर जाने वाला है एक्सपेक्टेशन क्या है अपना so, यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं भाई क्या एक्सपेक्टेशन है दैट मार्केट में गो अप सो एक्सपेक्टेशन इज वेरी क्लियर दैट मार्केट गोज देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा आई विल बाय बट मैं फ्यूचर्स की लैंग्वेज में उसको क्या बोलता हूं लॉन्ग करूंगा मैं ठीक है एंड दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास दूसरा थिंग इज दैट इफ आई फील दैट द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन तो मार्केट गोज डाउन केस अपन क्या करेंगे सेल सेल का मतलब क्या होता है करेक्ट शॉर्ट सेल का मतलब क्या होता है शॉर्ट अब आपने यहां पे फ्यूचर्स में एक चीज हमेशा याद रखना आपने जो भी इनिशियल पोजीशन लिया है आपको फ्यूचर में उसका ऑपोजिट पोजीशन लेना पड़ता है तो यानी आपने आज बाय मतलब लॉन्ग किया है यू आर एक्सपेक्टिंग द मार्केट टू गो अप और सच्ची में ऊपर गया अच्छी बात है अपने लिए तो अपने को इसको ऑफसेट करना पड़ेगा शॉर्ट करके यानी सेल करके ठीक है तो ऐसे सिचुएशन में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा बट सर अगर मेरे जो सोचा वैसा नहीं हुआ और मार्केट नीचे गया तो भी इसको क्लोज करना पड़ेगा ऑपोजिट पोजीशन लेके सेल तो करना पड़ेगा बट इन दैट केस आपको लॉस हो जाएगा समझ रहे बट अगर आपने यहां पे शॉर्ट किया है ठीक है तो सेल किया है तो इसको आप ऑपोजिट एक्शन क्या लोगे आप करेक्ट आप इसको क्लोज करोगे बाय टेकिंग अ लॉन्ग बाय पोजीशन तो ये फ्यूचर्स का एक बेसिक चीज है जो आप लोग को मैंने एक आइडिया दे दिया अब जब भी, भी आप मार्केट में फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डील करने के लिए जाओगे तो इट विल ऑलवेज हैपन हैपन इन इन इट विल से फॉर है मेरे को रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है ठीक है एंड अगर मेरे को ये रिलायंस का फ्यूचर खरीदना है तो इट इज ऑलवेज हैपनिंग इन से फॉर है 500 का लॉट साइज है ठीक है ये डिनोशन है एक वर्ड के एक लॉट में 500 का लॉट साइज है सो so, इसका मतलब क्या हुआ इट इज इक्वल टू 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस इन वन लॉट ये उसका लॉट साइज हुआ 500 शेयर्स ऑफ रिलायंस ये उसका वन लॉट साइज हुआ मतलब एक लॉट में आपको 500 शेयर खरीदना है अज्यूम करते हैं कि भाई उसका एक शेयर ओके लेट्स सी वेज मैं कैलकुलेट या सपोज उसका एक शेयर है ऑफ रुपीज वन थाउजेंड तो अब आपके लिए एक लॉट का मतलब क्या हुआ करेक्ट एक लॉट में आएंगे पांच सौ शेयर रिलायंस के इन हजार पर शेयर तो इन शॉर्ट अगर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना है और एक लॉट भी अगर आपको रिलायंस का लेना है तो इट इज गोइंग टू बी फाइव हंड्रेड इंटू इज गोइंग टू बी रुपीज फाइव लाख विच इज गोइंग टू बी रुपीज फाइव लाख एक लॉट फाइव लाख रुपीज का अब अगर आप शेयर मार्केट में गए और बोला यार मुझे पांच लाख रुपए का आ, को शेयर्स खरीदना है तो आपको सामने पांच लाख रुपए पे करने पड़ेंगे तब जाके आपको फाइव लाख रुपीज का शेयर्स मिलेगा बट यहां पे ऐसा नहीं है यहां पे आपको पे करना पड़ता है समथिंग दैट इज कॉल्ड एज अ मार्जिन मनी जो आज का अपना कॉन्सेप्ट है यहां पे आपको आज पे करना पड़ेगा मनी अब यह मार्जिन मनी कैलकुलेट करने का भी तरीका है जो आज अपन लोग अभी थोड़ा फटाफट तुम लोगों में बताऊंगा कि कैसे ये मार्जिन मनी कैलकुलेट करते हैं कभी प्रैक्टिकली अगर सीखना हो मार्जिन मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो नेट मी नो आई विल टीच दैट ऑल्सो So, एक स्नैप मार्जिन होता है और एक एक्सपोजर मार्जिन होता है ये दोनों को मिला के बनता है आपका ओवरऑल मार्जिन दैट यू हैव टू पे फॉर एंटरिंग इनटू अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ये मार्जिन मनी यूजुअली इट इज

अब इसमें आपको शॉर्ट करना है या लॉन्ग करना है जो करना है पहले मार्जिन मनी डिपॉजिट करो क्यों क्योंकि जब ये एग्जीक्यूट करना हुआ देखो एक चीज समझ लो पॉस इफ इन इन फ्यूचर्स मार्केट वन पर्सन इज गोइंग टू गेन वन पर्सन इज गोइंग टू लूज तो जो पर्सन लूज करने वाला है अगर वो भाग गया देन इन दैट केस थोड़ी ना स्टॉक मार्केट पीछे उसके भागने वाला है तो लोग बोलते हैं आप दोनों है ना मार्जिन डिपॉजिट कर दो वन पर्सन इज लॉन्ग ऑन द सेम प्राइस इज शॉर्ट मतलब मैं अगर लॉन्ग हूं तो मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाला है सेम प्राइस पे कोई और शॉर्ट है मतलब उसको लग रहा है मार्केट यहां से नीचे जाने वाला है होने वाला एक ही चीज है या तो यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा मतलब इन शॉर्ट कोई ना कोई गेन करेगा कोई ना कोई लूज करेगा तो इन दोनों को बोलता है मार्क, शेयर मार्केट के बॉस आप लोग दोनों को फ्यूचर्स में ट्रेड करना है आप लॉन्ग कर रहे हो आप शॉर्ट कर रहे हो दोनों मार्जिन मनी लेकर आओ ठीक है जो भी लूज करेगा उसका मार्जिन मनी जाएगा उसको जो इसको गेन करेगा समझ में आ रहा है आप लोगों को दैट इज द होल रीजन व्हाई मार्जिन मनी इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर्स गेम तो अब ये अपने को एक बेसिक चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया अब तुम्हारे को बताता हूं टोटल यहां पे तुम लोगों को दिख रही होगी तीन कॉन्सेप्ट इनिशियल मार्जिन मार्जिन मेंटेनेंस मार्क टू मार्केट मार्जिन आओ इसके बारे में समझते हैं सो so, मार्जिन से रिलेटेड अपने को यहां पे तीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं सबसे पहला आता है इनिशियल मार्जिन अगर आप किसी भी तरह का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहते हो देन इन दैट केस यू हैव टू डिपोजिट इनिशियल मार्जिन कितना होगा टाइम हो तो बताना मैं आपको एक्चुअल में मार्केट में कैसे मार्जिन कैलकुलेट होता है वो भी करना सिखाऊंगा फिलहाल मैं आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं तो एग्जाम पर उन्होंने बोला है इनिशियल मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन एग्जाम में आपको ये म्यू विच इज डेली एब्सोल्यूट एवरेज भी दिया होगा एंड ये दूसरा है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन इन डेली एब्सोल्यूट चेंज ये भी दिया होगा सो आपको म्यू Daily दिया है प्लस स्टैंडर्डियन <coughs> so, ट्रेड करना है तो ट्वेंटी अडानी में फोर्टी फाइव परसेंट का इन्फोसिस में ट्रेड करना है तो हो सकता है क्यू तो मार्जिन बिकॉज इट इज लाइक अब

एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन कनेक्टेड है तो जैसे ही मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करना है मैंने यहां पे सोचा है कि मेरे को लग रहा है कि रिलायंस ऊपर जाएगा तो मैं क्या कर लूंगा रिलायंस फ्यूचर्स में मैं लॉन्ग कर लूंगा हेलो रिलायंस फ्यूचर्स में मैं क्या कर लूंगा लॉन्ग कर लूंगा राइट right? बाय कर रहा हूं ताकि आगे जाके जब वो ऊपर जाए तो मैं उसको शॉर्ट करके मेरे पोजिशन को क्लोज करके प्रॉफिट कमा लू अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए मैंने ट्रेड डाला लॉन्ग फ्यूचर्स वन लॉट फाइव लाख रुपीज तो मेरे पास आएगा भाई 21% इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करो मैं बोल दूंगा ओके वन लाख ,00 रुपीस 20% इनिशियल मार्जिन मैंने डिपॉजिट कर दिया वन लाख रुपीस अब क्या होगा कि डेली बेसिस पे ये ट्रैक होगा मतलब फॉर एग्जांपल मैंने वन थाउजेंड पर शेयर का जब प्राइस था तब मैंने इसको एंटर किया से फर्स्ट जैन को फर्स्ट जैन को मैंने ये एंटर किया इस ट्रेड में अब जैसे ही मैं इस ट्रेड में फर्स्ट जैन को एंटर करता हूं कहानी आगे बढ़ेगी से फॉर एग्जांपल सेकंड जैन को प्राइस हो गया रुपीज वन थाउजेंड फिफ्टी पर शेयर अभी अच्छी बात की बुरी बात मेरे लिए इट इज अ गुड थिंग मैं तो चाहता ही था प्राइस बढ़े और प्राइस बढ़ा अब मेरे को कितने का फायदा होगा कैन आई से फिफ्टी पर शेयर का बट मैंने तो लॉट में लिया है एक लॉट में कितना है फाइव हंड्रेड शेयर है पर लॉट इन शॉर्ट मेरे को कितने का फायदा हुआ सो कैन आई से फिफ्टी इंटू फाइव हंड्रेड में करता हूं तो आ जाता है रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड सो आई से ये ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज का गेन हुआ है मेरे को दिस गेन विल बी डिपॉजिटेड इन माई मार्जिन अकाउंट यस ठीक है तो वो जो मार्जिन अकाउंट है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज से उतने से बढ़ जाएगा हो सकता है किसी ने वन थाउजेंड के ऊपर शॉर्ट किया होगा और उसको लग रहा होगा मार्केट नीचे गिरेगा बट मार्केट फिफ्टी से ऊपर गया उसको क्या करना पड़ेगा उसके अकाउंट से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज लॉस रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा यानी अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं

अब यहां पे फिफ्टी रुपीज है तो हम लोग ने ये डील क्लोज किया था वन थाउजेंड पर शेयर पे कोई इंसिडेंटली मैडम ने भी हमारे वन थाउजेंड पर शेयर में लिया उसने बोला कि नहीं नहीं गिरेगा मार्केट में बोला नहीं नहीं अब तो जो ऑपोजिट जो मैडम बोलती है उसका तो ऑपोजिट ही करते हैं अपन है कि नहीं आप भी ऐसे ही करते हो तो चलो आओ आगे अब ये हुआ वन जीरो फाइव जीरो पर शेयर तो क्या हो गया ये पच्चीस हजार रुपए मेरे अकाउंट में जमा हो जाएंगे तो ये जो मेरा मार्जिन अकाउंट है ना ये जो मेरा मार्जिन अकाउंट है स्टॉक मार्केट के पास उधर मेरे को दिखना चालू हो जाएगा वन लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मैंने वन लैख ,00 डाला था ट्वेंटी फाइव थाउजेंड का प्रॉफिट वन ,00 दिख रहा है बट मेरी जो मैडम है उनके अकाउंट से क्या होगा करेक्ट ये ही जब वन जीरो फाइव जीरो पर शेयर हो जाएगा एक्सपेक्टिंग मार्केट मार्केट टू गो डाउन बट ऊपर गया तो मैडम के अकाउंट से पच्चीस हजार रुपए बाहर हो जाएंगे एंड उनके अकाउंट में बचेंगे सेवेंटी फाइव थाउजेंड ओनली तो ऐसे ऊपर नीचे चलते रहेगा अभी मैं खाली संकल्प को आगे लेके चल रहा हूं तो अभी संकल्प का थाउजेंड के हिसाब से जब था

बट फिर अचानक से कोई न्यूज आया कि रिलायंस के फैक्ट्री में आग लग गया गया तो ये सीधा 1080 से हो गया, 950 पर शेयर क्या सर ऐसा भी हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है हमारी मैडम खुश तो यहां पे 130 का सीधा का सीधा डाउनफॉल इन टू अब मेरे अकाउंट में से इतना माइनस हो जाएगा समझ लो ये 1.4 लाख हुआ अब ये 1.4 लाख में से 130 5000 मतलब कहना इसे 65000 हुआ तो 65000 माइनस तो 1.4 लाख में से से 65000 माइनस करोगे तो कितना आता है यार मेरा कैलकुलेटर आजू बाजू में ठीक है सो इट विल बिकम एप्रोक्सीमेटली 75000 हो जाएगा चलो ठीक है तो ये मेरे अकाउंट में अब जो 140000 था वो 75000 हो गया तो ये डेली होता है ठीक है ना ये फर्स्ट जैन था ये आ, सेकंड जैन ये थर्ड जैन समझो ये फोर्थ जैन से ये फिफ्थ को 900 पर शेयर मालूम पड़ा बहुत ज्यादा आग फैल गई है तो ये और 50 इंटू पांच का मेरे को यहां पे चेंज हो जाएगा तो ये हाँ तो ये 50 इंटू पांच सो कहना इसे

ये पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्क टू मार्केट इसको क्या बोलते हैं बेटा मार्क टू मार्केट तो यहां पे आप लोग ये कॉन्सेप्ट देखोगे देखो लिखा है मार्क टू मार्केट मार्जिन सो व्हाट इट मींस इज फ्यूचर्स आर मार्क्ड टू मार्केट सो द करंट प्राइस इज कंपेयर्ड टू प्रीवियस डेज प्राइस सो मेरा यहां पे जो करंट प्राइस है नाइन फिफ्टी ज कंपेयर टू दीवियस डेवियसियस डे सो करंट मेरा नाइन हंड्रेड हो गया 50 का फॉल सो फिफ्टी रुपीज का फॉल That is called as mark to market जो मेरे मार्जिन में एडजस्ट होते जा रहा है अब आपके अचानक से दिमाग में आएगा सर ये तो होते होते अगर बहुत लॉस हो गया तो आपका तो जीरो हो जाएगा तो उनके पास जो डिपॉजिट था वो खत्म तो ये जीरो ना हो ये जीरो ना हो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है समथिंग कॉल्ड एज मेंटेनेंस मार्जिन ये जीरो ना हो इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट बेटा जिसको बोलते हैं करेक्ट मेंटेनेंस मार्जिन जो बोलता है बॉस आपने एक लाख रुपए डिपॉजिट किए है ना बहुत अच्छी बात है ये है आपका आईएम इसको बोलते हैं इनिशियल मार्जिन ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा तो ये कैलकुलेट हुआ हम लोग ने म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन से मेरा इनिशियल मार्जिन कैलकुलेट हो गया बट साथ में ही वो लोग आपको मेंटेनेंस मार्जिन भी बता देंगे से द मेंटेनेंस मार्जिन इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज मतलब इसके नीचे आपका मार्जिन नहीं जाना चाहिए अब सुनो यहां पे अपन लोग फिफ्टी थाउजेंड पे पहुंच गए हैं ठीक है ठीक है नाइन पर शेयर जब आया तब से हम लोग का फिफ्टी थाउजेंड रुपीज का हम लोग इनिशियल मार्जिन पे पहुंच गए हैं एंड अगले दिन और कोई बैड न्यूज आता है समझो अब से अगले दिन हो गया ये मेरा शेयर का प्राइस से एट सेवेंटी फाइव पर शेयर अब क्या होगा 25 माइनस में चल रहा हूं मैं तो मल्टीप्लाई बाय 500 तो 25 इनटू 500 मैंने किया तो कैन आई से 12500 एंड ये हो जाएगा 37500 टॉटी 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 टॉ इमिडेटली एक बजर बजना चालू हो जाएगा क्यों ये बजर बज रहा है क्यों ये बजर बज रहा है क्योंकि सर मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे चले गया है अपना बैलेंस दिस बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन जितना तो होना ही चाहिए अगर ये मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे गया इमीजिएटली भी आपको स्टॉक मार्केट आपको कॉल करेगा और बोलेगा बॉस प्लीज रिफिल इट एंड इसको इनिशियल मार्जिन जितना ले जाओ आप बोलोगे ठीक है सर मैं 2,500 करके इसको मेंटेनेंस मार्जिन तक ले आता हूं आंसर इज नो नॉट अलाउड आप जब आपका मेंटेनेंस मार्जिन से नीचे जाता है तो आपको रिफिल करना है कितना इनिशियल कि मार्जिन जितना हो जाए मतलब अब आपको रिफिल करना है सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड तो थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड थर्टी देखो एक लाख रुपया हो गया तो इनिशियल मार्जिन माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड इनिशियल मार्जिन मेरे को ,00 बोला था वन लाख माइनस थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड सिक्सटी टू फाइव हंड्रेड शुड बी डिपॉजिटेड इन माय मार्जिन अकाउंट

उस डेली चेंजेस के हिसाब से जो मेरा इनिशियल मार्जिन में प्लस माइनस होते जाएगा थर्ड मेंटेनेंस मार्जिन के भाई मिनिमम इतना हो सक इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन तक जा सकता है उसके नीचे गया रिफिल टिल द इनिशियल मार्जिन समझ में आ रही है आपको बातें इफ इनिशियल इफ बैलेंस इन इनिशियल मार्जिन आफ्टर एडजस्टिंग एमटीएम हेलो

पर लॉट मतलब कितना हुआ 25000 से बढ़ जाएगा 25000 से बढ़ गया मार्क टू मार्केट मार्क टू मार्केट एंड ओल्ड फ्यूचर गेट्स रिप्लेस विद न्यू वन एट न्यू प्राइस एंड फ्यूचर इज रोल्ड ऑन टू द नेक्स्ट डे एट न्यू प्राइस दैट गया गाइस तो ये है आईसी अभी आप लोगों को आई होप तीनों समझ में आ गया होगा तो मेरा जो मेन काम था आज का मेरा आज का फोकस था क्या कि आप लोगों को समझा दू मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आई होप मैंने आपको अच्छी तरह से ये चीज तीनों इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन मार्क टू मार्केट मैंने एग्जाम्पल से समझा दी है अब आईसीए का एक एग्जाम्पल है ठीक है अब यहाँ पे उन्होंने देखो डेली दिया है सेंसेक्स ट्रेडेड एट एम तो मल्टीपल ऑफ फिफ्टी मल्टीपल ऑफ फिफ्टी क्या हुआ बेटा इसको बोलते हैं लॉट साइज ठीक है फिर इसने दिया है दस ट्रेडिंग डेज का ठीक है दो मिनट में मैं आप लोगों को खाली एग्जांपल बता देता हूं एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन ये मैं वैसे भी आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा हूँ अब इधर हाई भी दिया है लो भी दिया है अपने को हाई लो से लेना देना नहीं है क्योंकि हाई लो तो क्या नॉन स्टॉप कुछ ना कुछ उतना कुछ होते रहेगा अपने को किस चीज से लेना देना है अपने को लेना देना है क्लोजिंग प्राइस से तो मैंने जब ट्रेडिंग चालू किया तो क्लोजिंग प्राइस था फोर थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव ऐसा अब सुनो अभिषेक बॉट वन सेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बॉट मतलब लॉन्ग किया है उसने एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट इज टेन थाउजेंड अब सुनो इनिशियल मार्जिन का फॉर्मुला क्या है बोलो बोलो चल चल करेक्ट इनिशियल मार्जिन का फॉर्मूला है सर म्यू प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिवियशन म्यू मतलब डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू क्या डेली एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू दिया है ये कितना सर टेन थाउजेंड सर प्लस थ्री इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया है सर स्टैंडर्ड डिशन है टू थाउजेंड सो थ्री इंटू टू थाउजेंड कितना होता है सर सिक्स थाउजेंड टोटल कितना हुआ सर सिक्सटीन थाउजेंड सर सिक्सटीन थाउजेंड इनिशियल मार्जिन सर कैलकुलेट करना आ गया एकदम अच्छी तरह से आ गया सर नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सो एवर नो प्रॉब्लम्स व्हाट्सो अब मेंटेनेंस मार्जिन भी देखो उसी के एकदम नीचे नीचे दे दिया है मेंटेनेंस मार्जिन इज 75 परसेंट ऑफ इनिशियल मार्जिन तो मेंटेनेंस मार्जिन कितना है सो इट विल बी सिक्सटीन थाउजेंड Uh, 16, इनिशियल मार्जिन मिल गया मेरे को मेंटेनेंस मार्जिन मिल गया अब मार्क टू मार्केट करते जाऊंगा मार्क टू मार्केट अगर मेंटेनेंस के नीचे गया तो मेरे को इनिशियल मार्जिन जितना वापस उसको फिल करना है, आओ एक दो एक ले है, है तो हिसाब से मार्जिन मेरा इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट कर दिया कॉल मैं। किया और बोला मेरे को एक लॉट चाहिए उसने बोला एक लॉट चाहिए चल आई एम डिपोजिट कर कितना कर दिया। जिस दिन डिपॉजिट किया उस दिन भाव था 3296. थ्री टू नाइन सिक्स पॉइंट फाइव मुझे चाहिए मार्केट ऊपर जाए पहले दिन पे क्या हुआ पहले दिन पे मार्केट गया नीचे थ्री टू नाइन फोर पॉइंट फोर टू पॉइंट वन से गया नीचे इंटू लॉट साइज है फिफ्टी का सो so, ये देखो इधर टू पॉइंट वन इंटू फिफ्टी टू पॉइंट वन इंटू फिफ्टी कितना होता है रुपीज वन जीरो रुपीज वन जीरो फाइव तो उतना माइनस क्योंकि मुझे चाहिए था मार्केट ऊपर जाए मैंने बाय किया है बॉट ठीक है ना मैंने sense, मैंने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है ठीक है अगेन टेलिंग लॉन्ग शॉर्ट ये सब डिटेल में समझना है मेरे वीडियोस है और भी मैं चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट बॉक्स में दे दूंगा उधर भी आप लोग को मिल जाएगा तो अब जैसे ही मैंने लॉन्ग किया मुझे चाहिए मार्केट ऊपर जाए बट ये किसी ने शॉर्ट किया होगा तो उसके अकाउंट में उतना बढ़ जाएगा समझे अब वापस नेक्स्ट उसके नेक्स्ट डे पे क्या हुआ थ्री टू नाइन फोर पॉइंट फोर था इसलोजिंग कर दिया मैंने मेरा इनिशियल मार्जिन उतना एडजस्ट हो गया फिर थ्री टू थ्री जीरो थ्री टू थ्री जीरोन मार्केट नीचे चला गया तो अगेन मेरे अकाउंट से देखो पैसा कट जाएगा कितना हो गया 1, 2, 6, 9, मेरा मेंटेनेंस मार्जिन ट्वेल्व थाउजेंड तक का अभी भी बचा हुआ हो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है थ्री टू वन टू अगेन गोज डाउन सो अब मैं अगर इधर देखता हूं तो ये सिक्स नाइन वन टू सिक्स नाइन फाइव है वापस नाइन जीरो फाइव का लॉस वन टू सिक्स नाइन फाइव में से नाइन जीरो फाइव अगर कटा तो वन वन सेवन नाइन जीरो इमीडिएटली मेरे को बोलेंगे रिफिल करो कितना रिफिल करो पूरा इनिशियल मार्जिन जितना वन वन सेवन नाइन जीरो आया है माइनस सिक्सटीन थाउजेंड करता हूं मेरा आ जाता है फोर टू वन जीरो इतना मेरे को कॉल मनी लेकर आना पड़ेगा तो अब मैंने ये कॉल मनी लेकर आया फोर टू वन जीरो का मैं आ गया वापस इनिशियल मार्जिन पे थाउजेंड अब फिंगर्स आई होप यार मार्केट बढ़े गिरते ही जा रहा है उसके अगले दिन देखो थ्री टू वन टू पॉइंट हुआ था उधर तक मार्केट mark कर दिया है. अब अगले दिन बढ़ा थ्री टू वन टू से गया थ्री टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव पे तो थ्री टू वन टू पॉइंट थ्री माइनस मतलब सॉरी थ्री टू सिक्स सेवन पॉइंट फाइव माइनस थ्री टू वन टू पॉइंट थ्री, ये तो फिफ्टी फाइव पॉइंट टू इन टू फिफ्टी टू सेवन सिक्स जीरो से मेरा अब इनिशियल तो देखो टू सेवन सिक्स जीरो बस यही होते जाएगा जब तक मैं उसको स्क्वायर ऑफ ना कर दू या फिर मेरा एक्सपायरी ना आ जाए ये सब होते ही मुझे पता चल जाएगा हाउ मच लॉस आई एम मेकिंग हाउ मच प्रॉफिट आई एम मेकिंग समझ में आ गया आपको और ऐसी कुछ चीजें और डिटेल में और अच्छी तरह से समझनी हो लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ डिड यू लाइक द सेशन गाइस यस चलो सो दैट इज हाउ माय होल मार्जिन इन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लुक लाइक इनिशियल मार्जिन मेंटेनेंस मार्जिन एंड मार्क टू मार्केट मार्जिन यस सो टाइम फॉर मीडू से ये नोट शेयर कर देता हूँ कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है जरूर जुड़ जाइए मेरे साथ एंड डेफिनेटली बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट और चीजों के साथ आप लोग को मिलते रहूंगा लाइक like, शेयर करना मत भूलना सब्सक्राइब एंड आइकन बजा देना आइकन बजाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कई बार पता भी नहीं चलता है कि कोई नया वीडियो आया है कमेंट पे आप लोग को बताना है और क्या क्या चाहिए और कैसा लगाइए सेशन टाइम फॉर वीडियो से आस्था विविस्ता की